आज मातृशक्ति वंदन ये बिल पास हुआ है लोकसभा में, बहुप्रतीक्षित। बहुत वर्षों से इसकी प्रतीक्षा चल रही थी, लेकिन जिन दलों ने देवेगौड़ा जी के समय से लेकर के और मनमोहन जी के समय तक जिस प्रकार से इसको लाना और पास नहीं करवाना, क्योंकि ये उनकी नियत थी, पास नहीं करवाना, ये वो चाहते थे कि सिर्फ इनका वोट के लिए उपयोग कर लें महिलाओं का और उसके बाद इनके बारे में कुछ विचार नहीं करना। उनका कभी भी मत ये रहा ही नहीं कि उनको अधिकार दिए जाएं। आज ये जो बिल है ये वास्तव में मातृशक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास का दिवस लेकर के आया है। कल ये राज्यसभा में जाएगा बिल और लोकसभा से आज पारित हुआ है। ये जो बिल है इसमें सोनिया जी नहीं उपस्थित रही हैं। कल उन्होंने पत्रकारों के बीच में कहा था कि ये मेरा बिल है और आज तेरा बिल समझ करके वो उपस्थित नहीं हुई हैं। ये वास्तव में अशोभनीय है और मुझे लगता है कि मन बड़ा करना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि इतने वर्षों तक शासन किया उन्होंने और मातृशक्ति का कुछ भी नहीं कर पाई, और जब अब ये होने जा रहा है, उनके अधिकार प्राप्त होने जा रहे हैं, तो वो अनुपस्थित थी। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी जो इतने वर्षों तक शासन किया, उसका कोई अर्थ नहीं बचा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।